हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल मैनिएक राज। लास्ट वीडियो में आपने हमारा कन्याकुमारी तक का सफ़र देखा। इस सीरीज़ में हम पालमपुर से कन्याकुमारी तक जो अपना सफ़र था उसको कवर कर रहे हैं। अभी ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम कन्याकुमारी से वापस पालमपुर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम केरला में एंटर कर गए हैं। कन्याकुमारी से वापस हिमाचल तक रिटर्न करने के लिए हमें 4 से 5 दिन का समय लगा था, क्योंकि हमने ज़्यादा स्टॉप नहीं लिए थे। इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में इसको सारे को कवर करने की कोशिश की है, तो देखते रहिए। अभी हम केरला के एक छोटे से गांव के अंदर से जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है यहाँ पर। हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हाजीमाला टेंपल है, जो कि कोची से लगभग 100-150 किलोमीटर पीछे है। सामने जो आप देख रहे हैं ये है हाजीमाला टेंपल, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये बहुत ही खूबसूरत शिव जी की मूर्ति है। और सामने देख सकते हैं सी समंदर के किनारे बनाया है ये मंदिर। सामने देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बिल्कुल समंदर के किनारे। एक साइड बीच है और दूसरी तरफ ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। हाजीमाला से चलकर अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचे हैं, जो कि है त्रिवेंद्रम। और ये सामने है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए सिर्फ धोती में ही प्रवेश कर सकते हैं, और क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है इसलिए मैं अंदर का आपको व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये, और यहाँ की लोकल कलाकृतियों का एक बेहतरीन नमूना है। अभी हम पहुँचे हैं तिरुवनंतपुरम में, और यहाँ पे हमने खाने के लिए स्टे लिया है यहाँ पे हॉस्टल में एक। ये देखिए है केरला का लोकल फूड, जो कि केले के पत्तों के ऊपर सर्व किया जा रहा है। खाना खाने के बाद अब हम अपने सफ़र पर वापस निकल पड़े हैं। और सामने है ये केरला का मशहूर लुलु मॉल। अभी हम त्रिवेंद्रम से ही गुजर रहे हैं। बहुत ही सुंदर शहर है और ये केरला की कैपिटल है। ये सामने क्रिसमस के सेलिब्रेशंस देख सकते हैं। अभी क्रिसमस टाइम है तो केरला में इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो
तो सामने ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी चाय नाश्ते के लिए हमने ब्रेक लिया है और आज रात को हमारा कोची पहुंचने का प्लान है, जो कि लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर है। फाइनली रात के 10 बजे हम कोचीन पहुंच गए हैं। कोची केरला की फाइनेंशियल कैपिटल है और ये एक पोर्ट सिटी है जिससे काफ़ी देशों के साथ व्यापार होता है पोर्ट के थ्रू। ये सामने शिपयार्ड है। ये हमारा कोचीन में स्टे यहाँ पर था। ये है एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के पास। अभी हम हैं कोची मरीन ड्राइव पे। अभी हमने वापस कोची से अपना सफर शुरू कर दिया है और फिलहाल हमारा कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, तो जिस हिसाब से ये समय बीतता जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमें रात का स्टे कहाँ पर करना है। और ये सामने ब्रिज है। से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, आटा ना रखी। इलायची ओनली फॉर दिस, हाँ ओनली, अदर क्वालिटी अवेलेबल। अभी हम कोचीन से लगभग 100 किलोमीटर आगे आ गए हैं और ये रास्ते में एक हमें मसालों की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर बहुत ही विभिन्न प्रकार के मसाले यहाँ पर मिल रहे हैं। ये सामने नारियल का तेल भी मिल रहा है, जो कि बिल्कुल प्योर है। काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से परचेज़ की हैं, नारियल का तेल और मसाले। ये सामने बोर्ड है दुकान का नाम। ये कोचीन से मैसूर के रास्ते पर शॉप है। अभी लंच का टाइम हो गया है और हमने वेज बिरयानी मंगवाई है। ये सामने केले के चिप्स बन रहे हैं।
केला बहुत अबंडेंस में होता है यहाँ पर। और अभी हम हैं मैसूरू से लगभग 200 किलोमीटर पीछे, चाय पीने के लिए रुके हैं रात को। ये देखिए जंगल है पूरा, और इनको भाषा भी समझ नहीं आ रही है, और बहुत ही डरे हुए हैं सभी लोग। ये देखिए चाय मिलेगी यहाँ पर हम। दिस वन पार्टी 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 पार्टी। ये कौन सी फिश आप दिखाएंगे इधर है? कौन सी फिश दिखाएंगे? है? डैम मेरी है। अभी हम चामराजनगर कर्नाटका बॉर्डर के पास में है, यहाँ पर एक डैम है, तो वहीं पे एक फिश की शॉप्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर रुके हैं हम फिश खाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं टाइगर रिजर्व से, और थोड़ी देर में अभी हम 27 हेयरपिन बेंड पूरा फॉरेस्ट पहाड़ कवर करने के बाद, टाइगर रिजर्व को कवर करने के बाद, अभी हम थोड़ी देर में आबादी वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। देखिए अभी टाइम रात का 8:30 बज रहे हैं। देखिए मोड़ है, कितना खतरनाक मोड़ है। लास्ट है अभी, थीम बम ये है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट है ये। ये देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का बोर्ड लगा था, और ये है एंड पॉइंट, जंगल यहाँ पे खत्म हो गया है। फाइनली हम केरला और तमिलनाडु को छोड़कर कर्नाटका स्टेट में एंटर कर गए हैं, और आज रात का हमारा जो स्टे है वो चामराजनगर करके एक कर्नाटका में छोटा सा शहर है, वहाँ पर होने वाला है। और ये अभी हम सारा जंगल क्रॉस करके निकल रहे हैं, लगभग 1.5 घंटे से जंगल से ही हम क्रॉस हो रहे हैं, और ये सारा टाइगर रिजर्व है। और अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं चामराजनगर, अभी हम पहुंचे हैं चामराजनगर, मैसूरू से ये लगभग है 70-80 किलोमीटर, और बैंगलोर से भी ये 100-150 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पे है, तमिलनाडु की साइड पे। ये बेसिकली कर्नाटक और तमिलनाडु का बॉर्डर है। अच्छा
और ये हमारा स्टे है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चामराजनगर से चलकर अभी हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए हमने यहाँ पर स्टॉप लिया है। अभी हम कर्नाटक क्रॉस कर रहे हैं और हमारा ये सफ़र जो है लगभग 4,000 से 5,000 किलोमीटर का होने वाला है, पालमपुर तक, कन्याकुमारी से पालमपुर तक का। हम हैं चित्रदुर्ग के पास में वापसी पे और खाना खाने के लिए हमने ब्रेक लिया है। अजय ढाबा, देखिए अजय ढाबा। अभी हमने जो मेन हाईवे था हिमाचल जाने के लिए वो उसको छोड़कर अब हमने थोड़ा सा प्लान चेंज कर लिया है और हमने जो कोल्हापुर जाने वाला रास्ता है वो पकड़ लिया है। कोल्हापुर में मेरा फ्रेंड रहता है तो हम उसके घर जाने वाले हैं आज। ये लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर है। उसके बाद हम महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे कर्नाटक को छोड़कर। बहुत ही अच्छे हाईवे बने हुए हैं ये। सामने देखिए सनसेट होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। हम हैं बेलगाम के पास में, चाय पीने के लिए रुके हैं टोल पे। अभी हम बेलगाम पहुंचे हैं जो कि कर्नाटका का एक बहुत ही सुंदर शहर है और यहां से कुछ दूरी के बाद महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाएगा और हम कोल्हापुर पहुंच जाएंगे। तो आज रात का हमारा स्टे वहीं पर है। ये देखिए बहुत बड़ा शहर है। जी में ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये देखिए। और ये देखिए हमारी गाड़ी और ये देखिए शिवाजी महाराज उद्यान और ये देखिए मेरा दोस्त है समाधान सलगत, जिसके पास आए इसका घर है यहाँ पर। और ये है ब्रेकफास्ट करने की जगह। वो गलत है रात को इचलकरंजी जो कि कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है वहाँ पर स्टे करने के बाद अब हम जा रहे हैं पुणे की तरफ। ये कोल्हापुर पुणे हाईवे है। अभी पुणे से चलकर हमने मुंबई आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ लिया है और धूले भाई अभी हम धूले के पास पहुंचे हैं। बोला क्या है ना ने?
कट टू नेक्स्ट डे, अब हम मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए ये हैं होता है और ये सामने आदिवासियों का कोई लोकल ड्रिंक हिंदी है, मतलब खजूर ना, उसको हम ट्राई करने खजूर लगे हैं। इधर दिल्ली कर क्या लिखे बड़ोदरा, दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस है। ये सामने मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस है। हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहा है जो कि अभी तक पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। कुछ कुछ एरियाज में ये इसका भी काम चल रहा है, लगभग ये 70% कंप्लीट हो गया है। फुल कंप्लीट होने के बाद ये इस मुंबई और दिल्ली के रास्ते को बहुत ही शॉर्ट बना देगा और बहुत ही जल्दी दिल्ली से मुंबई तक पहुंचा जा सकेगा। नीली, ये वीडियो अब एंड करने का समय आ गया है और इसी के साथ ये जो हमारा पालमपुर से कन्याकुमारी की सीरीज थी ये भी ख़त्म होती है। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।